ये हमने मिंडा की फोक लाइट लगाई है जो कि अपनी 120 वाट की रहने वाली है। और क्या वारंटी देते हो इसकी? ये एक साल की गारंटी होती है, पूरी इसकी रिप्लेसमेंट गारंटी है। हमने ये अपना व्हील कवर का इंस्टॉलेशन कराया जो कि टाटा बैजिंग के साथ रहने वाला है, पूरी हिला देंगे जी गाड़ी के समेत। ये आप देख सकते हो जो कि अपना 4GB RAM 32GB इनबिल्ट वाला रहने वाला है। ये आपको रात का व्यू दिखा रहा है भैया, तो रात में आप दिखा सकते हो। स्टीयरिंग कंट्रोल का इंस्टॉलेशन कराया जो कि अपना ग्लॉस फिनिश में रहने वाला है। टेरी कलर के सीट कवर इसके अंदर हम इंस्टॉल किया है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है लगने के बाद, कलर इसका बहुत ही प्यारा लगता है। टैगोरम कार पे आइए, हमारे पास टाटा की पंच वो भी व्हाइट कलर के अंदर। हम दिखाएंगे इसके अंदर फ्रंट में हमने क्या क्या लगाया है, फिर उसके बाद बैक में, और पूरी गाड़ी हम एक्सप्लोर कराएंगे क्या क्या हमने इसके अंदर काम किया है। तो ये हमारा फ्रंट से देख लीजिए, ये हमारा डिफ्यूज़र है, ये कुछ इस लुकिंग का दिखने वाला है। इसमें आपको पंच की बैजिंग मिल जाएगी सामने, प्लस इसका पीछे का भी हम आपको पीछे दिखाएंगे। और ये हेडलाइट के ऊपर हमने ग्लॉसी फिनिश का इंस्टॉलमेंट कराया है। एक हमने इसके अंदर फोक लाइट लगाई है, फोक लाइट जो रहने वाली है अपनी मिंडा कंपनी की रहने वाली है, जिसका अभी हम आपको जला के भी रिस्पॉन्स दिखाते हैं। हाँ, तो ये हमने मिंडा की फोक लाइट लगाई है, रात में आपको पूरा विजिबल रोड दिखने वाला है। और प्लस अगर जैसे कोहरा वगैरह होता है तो पूरा छट जाएगा, वो कोहरा कट जाएगा, आपका दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद हम दिखाएंगे हेडलाइट में हमने क्या क्या लगाया है। ये हेडलाइट के अंदर हमने LED का इंस्टॉलेशन कराया है जो कि अपनी 120 वाट की रहने वाली है। और क्या वारंटी देते हो इसकी? ये एक साल की गारंटी होती है, पूरी इसकी रिप्लेसमेंट गारंटी। आप हमारे पास आओगे, चेंज करके आपको नया माल दे दिया जाएगा। सामने रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, काफी क्लियर जो विजिबिलिटी है। मैं बंद करके चालू करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके का इसका आने वाला है। ये आप देख लीजिए, तो मतलब फुल फोकस जो है, यहाँ से एक बीम भी बन रही है यहाँ पे, आप अगर दिख रहा हो आपको, मतलब काफ़ी अच्छा जो आउटपुट है वो मिल जाता है। और 120 मेरे साथ हम काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों का अच्छा विश्वास भी बना हुआ है। रिस्पॉन्स भी अच्छा है, विश्वास भी अच्छा आ जाता है लोगों का। अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी LED का इंस्टॉलेशन करा सकते हो, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई लगवाता है कोई नहीं लगवाता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के ऊपर है, रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है। तो उसके बाद हमने ऊपर DRL का इंस्टॉलेशन कराया जो कि अपनी पार्किंग के साथ, तो और ये अपना DRL रहने वाला है जो कि पार्किंग के साथ व्हाइट नजर आएगा। उसके बाद अभी अपना पार्किंग बल्ब है, इसको भी हम चेंज करके व्हाइट कर देंगे, जो कि ये भी हैलोजन आता है इसके अंदर, हम इसको भी LED में लगा देंगे। ठीक है, तो सामने से जो है आपने लुक चेक कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं, और काफ़ी अच्छा जो आपको लुक है वो देखने को मिल रहा है। अब एक बार बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, और आपको दिखाते हैं साइड से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं। तो और ये भैया हमारे पास आए हैं इटावा से, भैया आपको कैसा लगा काम करा के? बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा काम करते हैं, और हमने यहाँ इनके यूट्यूब पर देखते रहते हैं, उसी हिसाब से हम आए हैं, और अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ, और बहुत सुंदर काम किया है, अच्छा लगा मुझे। तो उसके अब हम दिखा देते हैं साइड पोर्शन, भैया दिखा दें सारा काम जो हमने कराया है। तो भैया अब हम साइड में आ जाते हैं, साइड में हमने ये अपना व्हील कवर का इंस्टॉलेशन कराया जो कि टाटा बैजिंग के साथ रहने वाला है। ड्यूल टोन में बेसिकली अपना ये डायमंड डिज़ाइन होता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये दिखने में। उसके बाद हमने ये ग्लोसी किट जो लगाई है उसका ये पार्ट है, साइड मिरर पे हमने ग्लोसी फिनिश का फिटिंग में फिटमेंट कराया है। ग्लोसी किट जो होती है दोस्तों, इसमें चार चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक तो अपना हेडलाइट की गार्निश, यहाँ पे आप देख लीजिए, अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर इसकी गार्निश जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा राजन भाई, इसके अलावा भैया ये अपना हैंडल क्रोम का मिलता है, जैसे हैंडल का ये ऐसे ग्लोसी अपना हैंडल का ये लगा के देते हैं हम इसी किट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपना ये डोर वाइजर का इंस्टॉलेशन हमने इसके अंदर कर दिया है जो कि पंच की बैजिंग के साथ आपको मिल जाएगा। इसमें क्रोम लाइन वाला भी आता है, अगर आप चाहो तो क्रोम लाइन भी लगा सकते हैं। इसके अंदर क्रोम लाइन वाला भी आता है, और इसके अंदर कई सारी वैरायटी, कई सारे डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल आपको एनी टाइम मिल जाएंगे, आप कोई भी डिज़ाइन पसंद करके ले सकते हो। रियर का जो डोर हैंडल है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैंने फ्रंट का दिखा दिया है, रियर के डोर हैंडल की प्लेसमेंट यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पर भी जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा किट के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो रियर की जो टेल लाइट है उसके ऊपर भी आपको ग्लॉसी इंसर्ट जो चीज़ देखने को मिल जाता है। मतलब चार पाँच चीज़ें हैं जो कि ग्लॉसी किट के अंदर आती हैं। ग्लॉसी किट के अंदर पाँच चीज़, ये अपनी हैंडल हो गया, हेडलाइट का हो गया, टेल लाइट का हो गया, और मिरर हो गया, और मिरर हो गया, ये सारा आइटम आपको इस किट के अंदर मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद हमने ये इसके अंदर अपनी ये रूफ रेल का इंस्टॉलेशन कराया जो कि ये प्रॉपर रहने वाली है, और इसका फिटमेंट अभी किया गया। और अगर मैं राजन भाई से कहूँ, राजन भाई एक बार हिला के दिखाइए, पूरी हिला देंगे जी गाड़ी के समेत। ये आप देख सकते हो, मतलब कि ऐसा नहीं है, हम लोग ये नहीं बोलते कि कल करना वो करना, नहीं, आज होगा कल कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक अपना एंटीना जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि इस वाली कार के अंदर आपको नहीं मिलता है, रेडियो एंटीना यहाँ पे इंस्टॉल किया जा लेते हैं रियर से, और आपको दिखाते हैं कि रियर में क्या कुछ रहने वाला है। तो रियर में क्या लगा है राजन भाई? भैया अपना ये डिफ्यूज़र का पार्ट है, अपने फ्रंट पार्ट हमने आपको दिखा दिया था, उसके बाद ये सेकंड पार्ट है जो पीछे का रियर में रहने वाला है, जिसमें आपको साइलेंसर लुक के दो डिज़ाइन मिलेंगे, बीच में पंच की बैजिंग मिलेगी, और रेड कलर का इंसर्ट मिलेगा जो कि गाड़ी को पीछे से एकदम सेक्सी लुक दे देता है। तो यहाँ पे ओवरऑल लुक जो है वो आप चेक कर सकते हो कैसा आ रहा है।
एंड रियर व्यू जो कैमरा है उसकी जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं एक बार कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि कैमरे वगैरह का रिस्पांस इंटीरियर से कैसा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कैमरा देख ही लिया है, पता लगता नहीं है इसके अंदर कैमरा लगाने के बाद कैमरा लगा हुआ है। कैमरे की प्लेसमेंट एकदम OEM टाइप होती है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखोगे जिस तरीके के सेंसर की प्लेसमेंट है सेम अपने कैमरा भी आपको उसने ही साइज का और उसी तरीके का देखने को मिल जाता है। और कैमरे का रिस्पांस भी आपको हम दिखाएंगे, बहुत ही क्लियर और बहुत ही विजिबल, एकदम नेचुरल विजिबल आपको दिखाएंगे हम कैमरे का। तो आ चुके हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको अब दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो इंटीरियर में सबसे पहले क्या दिखा रहे हो राजन भाई? इंटीरियर में सबसे पहले हम दिखाते हैं भैया अपना एंड्रॉइड, जो कि अपना 4GB RAM 32GB इनबिल्ट वाला रहने वाला है। उसके बाद इसके अंदर जो आप इसका फ्रेम देख सकते हैं ये भी ग्लोसी लुक में रहने वाला है। और प्लस ये जो अपना एंड्रॉयड है ये 360 सपोर्टेड है, प्लस DVR सपोर्टेड है, मतलब इसके साथ अगर आप फ्रंट बैक कैमरा भी हमसे लगाते हैं तो वो भी हम इंस्टॉल करके दे सकते हैं। फिलहाल कस्टमर की डिमांड सिर्फ बैक कैमरे की थी तो वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। मतलब कि आपके पास ऑप्शन में है कि अगर आप चाहो 360 लगवा सकते हो, अगर आप चाहो तो फ्रंट और बैक दोनों कैमरास भी लगवा सकते हो, जिसके अंदर फ्रंट और बैक की रिकॉर्डिंग भी होगी। तो रिकॉर्डिंग जो है आजकल लोग बहुत कह रहे हैं क्योंकि अपनी एक्सटर में आ रही है, तो इसका फीचर आप इसमें ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दिखाइए एक बार हमें कैमरे का रिस्पॉन्स। कैमरे का हम इसके अंदर आपको रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ये कुछ कैमरे का इस तरीके का रिस्पॉन्स रहने वाला है जो कि बिल्कुल क्लियर है। ये आपको रात का व्यू दिखा रहा है भैया, तो रात में आप दिखा सकते हो सारे बोर्ड के कलर्स, इन चीज़ों से पता लग सकता है कि देखो कैमरा कितना क्लियर है। नाम भी पढ़ सकते हो अगर आपको, मैं फिजिकली अगर आप देखोगे आकर के तो नाम भी बिल्कुल आराम से आप पढ़ सकते हो। कैमरे में कितना जस्टिफाई हो रहा है ये नहीं बता पाएंगे जी, जी, बट कैमरा बहुत क्लियर है। AHD जो कैमरा है वो आपको सपोर्ट मिल जाता है क्लियर विजिबिलिटी के साथ। बिल्कुल। और कंडीशन की बात करें तो अभी ऐसा है कि सूरज डूब चुका है बट रोशनी हल्की फुल्की है, मतलब इसमें भी क्लियर नजर आ रहा है आपको। बिल्कुल, इसमें भी क्लियर नजर आ रहा है। उसके बाद हमने इसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल का इंस्टॉलेशन कराया जो कि अपना ग्लॉस फिनिश में रहने वाला है। तो ये कैसा रहता है, आफ्टर मार्केट रहता है या जेन्युइन रहता है? नहीं, ये जेन्युइन टाटा का रहता है भैया अपना, ये जेन्युइन टाटा के स्विच होते हैं, जेन्युइन टाटा का होता है, यही हम इंस्टॉलेशन करके देते हैं वो भी ग्लोसी फिनिश के साथ। तो ये आप देख लीजिए प्रॉपरली पेयर्ड रहने वाले हैं, एक बार करके दिखाइए राजन भाई कंट्रोल करके। ये देखो ये इसमें तो वॉल्यूम प्लस हो रही है, सरीके से वॉल्यूम माइनस है, ऐसे ही म्यूट अनम्यूट, म्यूट अनम्यूट हो जाएगा इसके अंदर। और अपना एक बार BT का दिखा दीजिए। इसके अंदर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये आप आ गया, ये मोड के ऑप्शन आ जाएंगे अपने, ठीक है। मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाने वाली हैं और इसका काम जो है सारा कुछ प्रॉपर तरीके से जो ढंग से एक तो होता है ना फिटमेंट वो आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली लोग आकर के पूछते हैं राजन भाई से, राजन भाई आपने तो 100 गाड़ियाँ कर दूंगी, 150 गाड़ियाँ कर दूंगी, तो एक नंबर मैं पूछता हूँ राजन भाई अभी तक आपने कितनी पंच कर दी होगी? मेरे को लगता है भैया हमने 1000+ कर दी है। 1000+ हो गई होंगी, हो गई, ज़्यादा ही हो गई, ज़्यादा ही हो गई होंगी आराम से, क्योंकि जितनी वीडियो बनी है उनसे कई ज़्यादा डबल गाड़ियाँ आई हैं। 5 to 7 टाइम्स ज्यादा गाड़ी आई है जितनी वीडियो बनी है, क्योंकि हर गाड़ी की वीडियो नहीं बन पाती है मौके पे, जितनी बन सकती है हम जितनी बना सकते हैं अपनी तरफ से, जितना काम कर सकते हैं हम कर देते हैं, बाकी जितनी रह जाती हैं वो फिर काउंटिंग में नहीं आ पाती। 1000+ वैसे हमारा है कि हमने 1000+ पंच अब तक कर दिए। अब इस वाली गाड़ी की हम सिस्टम की से बात कर रहे थे तो स्पीकर्स वगैरह कौन सी कंपनी के आपने यूज किए? स्पीकर जो हमने JBL के लगाए हैं, इसके अंदर आगे कंपोनेंट पीछे कोएक्सियल हमने इंस्टॉलेशन कराया जिसकी आवाज़ बहुत ही बेहतरीन थी। हम आपको सुना तो पाएंगे नहीं क्योंकि कॉपीराइट का इसमें इशू आ सकता है। हम भैया हमारे कस्टमर हमारे बैठे हैं इनसे पूछवाते हैं कि इसका रिस्पांस आपको कैसा लगा, आवाज़ आपको कैसी लगी इसकी। तो भैया तो भैया पहले हमने आपको आवाज़ सुनाई थी JBL के स्पीकर लगाने के बाद, आवाज़ कैसी लगी आपको? आवाज़ एक नंबर की आवाज़ है जी, और बहुत अच्छा साउंड है। हाँ जी, बहुत पसंद आ रहा है। तो अच्छा, मजा आया आपको गाड़ी में? बहुत अच्छा मजा आ रहा है आपके आने से। तो चलो बहुत अच्छा लगा, अभी तक भैया को बहुत मजा आ रहा है। हाँ। बाकी एंड में भैया से हम बात करेंगे, पेमेंट की बात करेंगे, कितनी भैया ने पेमेंट करी है हमारे को, सारी बातें हम एंड में करेंगे। तो अभी इस कार को आपने एक थीम दे रखी है, कौन सी थीम, क्या कहते हैं इसको? तो उसके बाद हमने थीम देखो, ये अपना चेरी कलर का सीट कवर इसके अंदर हम इंस्टॉल किया है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है लगने के बाद। कलर इसका बहुत ही प्यारा लगता है, सदाबहार कलर है, कभी भी आप बोर नहीं हो सकते। प्लस इसका डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारा दिखने वाला है आपको। कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है कि वो इंटीरियर भी बनवा सकता है। हम इंटीरियर का बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बनाते हैं, इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। आप अगर चाहो तो लगवा सकते हो सेम चेरी कलर में, हम वो भी बनाते हैं। भैया का अभी डिमांड नहीं था, भैया को नहीं चाहिए था इसीलिए उन्होंने नहीं लगवाया, लेकिन भैया बोल रहे हैं मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा यही काम कराने के लिए दोबारा, क्योंकि अभी जो है भैया को कहीं इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है तो इसीलिए अभी ये काम छोड़ दिया इन्होंने।
तो बाकी फिनिशिंग वगैरह जो है वो आप चेक कर सकते हो कैसी कुछ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अपना चेरी कलर का सीट कवर है विद वाइपिंग, वाइट कलर की पाइपिंग मिल जाती है एंड साइडों में भी आपको जो बर्फी डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाता है। किसी भाई को ये पसंद नहीं आता, कस्टमाइज़ करवाना चाहता है, उसके भी ऑप्शन जो है अपने पास अवेलेबल है, आप वो करवा सकते हैं। हमारे वीडियो में आपने सारे कलर भी देखे होंगे, सारे अवेलेबल है। इसके अलावा हमने आर्मरेस्ट का ये इंस्टॉलेशन करा है इसके अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हो प्रॉपर मूवेबल है, आपको ये पूरा ऐसे एडजस्टेबल मिलेगा, हैंड ब्रेक वगैरह में किसी में दिक्कत नहीं आती हुई है इसके अंदर। तो अपना प्रॉपर जो है आफ्टर मार्केट बेसिकली देखो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा हिलता है ये, मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ ये वाला आर्मरेस्ट थोड़ा हिलता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से प्रॉपर फिट करते हैं कि आपको पूरा इसकी आपकी जो नीड है वो पूरी कर देगा ये, मतलब दिक्कत ना आए बेसिकली। लेकिन फिर भी बता के चलते हैं कि थोड़ा बहुत आपको फर्क मिलता है, क्योंकि OEM नहीं है, कंपनी भी लगाकर नहीं देती है टॉप मॉडल के अंदर, हमने लगाया है जुगाड़ से लगाया है कहने का मतलब। यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लोर के ऊपर आपको कंप्लीट जो फ्लोरिंग है वो देखने को मिलने वाली है, डाई वाली फ्लोरिंग जो है वो यहाँ पे करी गई है, और इस वाले पोर्शन से लेकर रियर वाले पोर्शन तक कंप्लीट ये रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपने कंप्लीट 70 वाले जो मैट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस कार के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की जो दो पावर विंडोज हैं वही मिलती हैं, यहाँ पे रियर की जो पावर विंडोज हैं उसका भी अपडेट रहने वाला है। ये कौन सी वाली पावर विंडोज है राजन भाई? भैया इसके अंदर सिर्फ आगे की टू डोर पावर विंडो होती है जो सिर्फ आगे से कंट्रोल होती है, पीछे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता। प्लस पीछे जो है ना घुमाने वाला ऐसे हैंडल मिलता है पुराने जमाने वाला, जो 1900 वाले पता नहीं किसी जमाने में अल्टो में आया करते थे, तो वो बदल के हमने इसके अंदर जो आगे पीछे से पूरा कंट्रोल होने वाली पावर विंडो लगाई है, जो कि जेन्युइन टाटा की रहने वाली है, और आपको वो गाड़ी में फील जो देगी ना वो ऐसा लगेगा आप टॉप मॉडल के अंदर ही बैठे हैं। और दिखने में भी आप देख सकते हो इसकी फिनिश, कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने आफ्टर मार्केट ये हमसे लगवाई है, ये कंपनी फिटिंग ही पूरी प्रॉपर होती है, और प्रॉपर ये अपना टाटा की रहने वाली है, इसमें आपको कोई शक नहीं है, ये आफ्टर मार्केट नहीं होती, टाटा की ही होती है, जेन्युइन हम लगा के देते हैं विद गारंटी। बस एक कमी रह जाती है, आगे से भी कंट्रोल करती है पीछे वाले शीशों को, और पीछे भी दिखा देता हूँ, हमने पीछे भी इसका जो है स्विच वगैरह का इंस्टॉलेशन करा है, जो कि सेम टाटा वाला ऐसा रहने वाला है। यहाँ पे इस तरफ में अपना हैंडल आता है जो कि हमने बंद कर दिया इस टाइम, और ये स्विच इसका प्रॉपर लगा दिया है, तो ये सारा कुछ जो है वो काम देखने को आपको मिल जाता है। एक बार मैं ऑपरेट करके भी दिखा देता हूँ कैसे कुछ जो ऑपरेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर साइड से रियर की जो पावर विंडोज है वो डाउन हो गई है, ड्राइवर साइड से जो विंडो है वो अप हो गई है, प्रॉपर जो है ये वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि इस वाली कागज में इंस्टॉल करी गई। हॉर्न में भी अपडेट किया है? हॉर्न में भी हमने अपडेट किया भैया, हॉर्न भी इसका जो है क्रेटा टाइप लगाया, जैसे क्रेटा में लग के आता है, ये आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। जो हम लैक्स चीज दिखाएंगे अपने ये सेंट्रल लॉक दिखाएंगे, हमने सेंट्रल लॉक का भी इंस्टॉलेशन इसके अंदर कर दिया है, जो कि अपना मैनुअल आती है ये गाड़ी, आप सबको पता ही है बेस मॉडल सारी गाड़ी मैनुअल ही आती है, तो इसके अंदर हमने सेंट्रल लॉक का इंस्टॉलेशन कराया है, वो भी रिमोट के साथ विद फ्लिप की। ये आपका ये रिमोट रहने वाला है, उसके बाद ये कि फ्लिप की मिलेगी आपको, जो कि आप देख सकते हो टाटा लोगो के साथ है जेन्युइन, तो आपको स्टाइल जो है ना पूरा टॉप मॉडल वाला मिलने वाला है। तो जैसे कि हमने आपको सारा काम दिखा दिया है, तो गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो गया है। भैया से हमने आपको पहले मिला दिया था, एक भैया और आए हमारे साथ, ये इनसे भी मिल लीजिए भैया। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सौरभ भाई। तो सौरभ भाई हमारे पास आए हैं, कहाँ से आए हैं भैया? इटावा यूपी से। हाँ। तो भैया का नाम एक बार भैया अपना नाम बता दीजिए, हमने आपका नाम नहीं पूछा था। मेरा नाम मुकेश यादव है। मुकेश यादव जी, तो हमारे पास दोनों भाई आए हैं इटावा से। भैया काफी सारे काम करवा चुके हैं आपकी शॉप से, इन्हीं ने हमें सजेस्ट किया था कार डेकोरम। जी, जी जी, तो इसी भैया के रेफरेंस पे हमें आए हुए हैं। काफी सारे काम आपकी शॉप से करा चुके हैं, हमेशा तारीफ करते हैं कि अच्छी शॉप है, जेन्युइन शॉप है, और सच में प्राइस आपके सारे जेन्युइन थे और काम करवा के हम खुश हैं। तो नहीं, भैया का नेचर तो हमने पहले से देख रखा है, भैया हमारे पास आते रहते हैं, बहुत अच्छा नेचर है भैया, जब भी आते हैं दिल खुश कर देते हैं एकदम, इनका नेचर ऐसा है कि आते हैं तो ऐसा लगता है आज मजा आ गया, आज हंसने को मिलेगा, खिलखिलाने को मिलेगा, क्योंकि भैया जोक मारते हैं बड़ा मजा आता है, और प्राइस से भैया भी खुश कर देते हैं राजन भाई साहब भी, बिहेवियर वाइज और बाकी प्राइस वाइज आप सबको व्यूअर्स जो भी आएंगे सेटिस्फाइड होके जाएंगे। तो भैया वंस मोर एक और बार आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, गाड़ी का काम जितना भी हुआ कैसा लगा आप? गाड़ी का काम अच्छा लगा, और इसीलिए तो यहाँ आते हैं आपके पास। बिल्कुल, और कई गाड़ियाँ आए हो और जहाँ यहाँ से जाएंगे तो जो भी गाड़ी आएगी हमारे यहाँ से टावा से जानकारी की, वो एक ही दुकान है यहाँ राजन भाई की, वन स्टॉप बस यहाँ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, अच्छा प्यार के लिए, अच्छा होता है प्यार के लिए, बहुत बहुत हमारा आप, हम 10,000 का पेट्रोल भर के आए, नई गाड़ी हमारी, आने जाने का अभी 10 का एवरेज भी नहीं दे रही है। जी जी, तो आने का रीजन यही है कि सबसे अच्छा काम और जायज पैसों में आपके यहाँ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इतने प्यार के लिए। तो भैया आपसे भी बात कर लेते हैं, भैया आप तो हमारे पास पहले बार आए हैं, तो सारी बात अब हम कर लेते हैं। अब जो बात है ना, ये बताइए आप, जो आपकी गाड़ी में काम हुआ है, सीरियसली आपकी गाड़ी के अंदर जितना भी काम हुआ है आपने खड़े होकर देखा है, फिटिंग और फिटमेंट कैसी लगी आपको?
बहुत ही शानदार थी, सारी चीज़ें खड़े होकर देखी हैं, मतलब सारे लोग स्टाफ बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और तेज़ी से काम किया काफ़ी, तो सेटिस्फाइड हैं हम सारे काम से। जिन भैया ने गाड़ी में आपकी काम किया है, क्या लगता है उन्होंने काम अच्छा किया होगा? हाँ, एक्सपीरियंस होल्डर है। चाचा ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है प्रेम जी ने हमारे, तो काम को अप्रिशिएट करते हैं हम, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। तो आप नंबर कितना देना चाहेंगे काम को हमारे प्रेम जी के? प्रेम जी के तो पूरे 10 है, आपका एक नंबर समय के लिए काटेंगे। हमारा एक नंबर समय के लिए कट जाएगा, प्रेम जी का 10 है, बस समय के लिए, बाकी सारी चीज़ें फिनिशिंग और सामान और रेट वाइज तो बिल्कुल प्रॉपर 10 दिया जा सकता है, बाकी अगर प्यार में थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर लेते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिटिंग फिटमेंट की बात की जाए तो 10 में से कितने बजे? सारी चीज़ें थी 10 में, पूरे 10 में, पूरे 10 में। समय का एक नंबर कटेगा। देखो समय जो है थोड़ा लगता ही है काम में, मैं तो ये बोलना चाहूँगा हर कस्टमर से, थोड़ा बहुत टाइम तो लेके ही है। तो भैया आप जो लास्ट की बात अपनी, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है, जो आपने पेमेंट कितनी कर दी हमें? पेमेंट मैंने आपको पूरा टॉप नॉच काम हेड टू टो मैंने किया आपको 64,000। आपने 64,000 मेरे को पे कर दिए इस सारे काम के, आपको पैसे देने के बाद ऐसा तो नहीं लगा आपने कुछ ज़्यादा दे दिए? नहीं नहीं, सारा काम अच्छे से हुआ है, कोई ज़्यादा मतलब अच्छा। वर्थ इट है जितने में हुआ है, वर्थ इट है, पैसे वर्थ इट है जी। तो आपको मज़ा आया? हाँ मज़ा तो आया, बाकी आप लोगों का बिहेवियर और सारी चीज़ें, उस चीज़ से मज़ा आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पास आए, आशा करते हैं ऐसे आते रहेंगे। और भैया आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे ही हमारे पास आते हैं, मॉडिफाई कराते हैं। थैंक यू सो मच।